नमस्ते, हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए ला रही हूँ एक फ्यूज़न मिठाई, रक्षाबंधन स्पेशल। अगर आप ट्रेडिशनल मिठाई से बोर हो गए हैं या आप कुछ नया बनाना चाहते हैं इस रक्षाबंधन पर, तो आपको ट्राई करनी चाहिए ये फ्यूज़न मिठाई। ये एक यूरोपियन केक है, ट्रेस लीची केक। इसको मैंने यहाँ पे इंडियन ट्विस्ट के साथ प्रेजेंट कर रही हूँ। और इसमें जो भी सामान हम यूज़ करेंगे वो बिल्कुल आसानी से आपको घर में मिल जाएगा। इसमें कोई भी स्पेशल इंग्रेडिएंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हम इसमें ओवन यूज़ करने वाले हैं, ना ही इसमें कोई एग है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्यूज़न मिठाई रक्षाबंधन स्पेशल। वेलकम टू टमी वर्ल्ड। एक बाउल में हम यहाँ पर आधा कप दही लेंगे, कर्ड लेंगे, और आधा कप हम यहाँ पे तेल लेंगे। ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या आप यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मक्खन इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं यहाँ पे आधा कप चीनी मिला रही हूँ और 2 चम्मच चीनी और मिलाई है मैंने। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और क्रीमी सा टेक्स्चर बना लेंगे। आप चाहें तो ये सब मिक्सी में भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 चम्मच खसखस सिरप डाला है, जो हमारा खसखस सिरप आता है नॉर्मली में, वो हमने इसको डाला है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने 3/4 कप आटा लिया है, जिसमें मैंने आधा मैदा मिलाई है और आधा गेहूं का आटा मिलाया है। आप चाहे तो पूरा मैदा ले सकते हैं या पूरा गेहूं का आटा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाया है। अब हम इन सबको अच्छे से एक बार सीव कर लेंगे, अच्छे से इसको चलनी में छान लेंगे, जिससे कि सारी गांठें इसकी निकल जाएँ और ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये मिक्स हो गया है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे स्पैचुला की हेल्प से। कट एंड फोल्ड मेथड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। बस आपको इस तरीके से ये करना है, जिससे कि ये हमारा पूरा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पे करीब हमने आधा कप यहाँ पे हम मिल्क डालेंगे। जो मिल्क है वो थोड़ा सा ल्यूक वार्म मिल्क आपको यहाँ पे ऐड करना है, थोड़ा सा गर्म दूध आप यहाँ पे ऐड करिए। और आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 पिंच फूड कलर यूज़ किया है और इन सबको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एक बैटर, एक अच्छा सा मैं घोल बना लूँगी। ये घोल बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत एकदम गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, पर हमें इसी टाइप का घोल चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक कंटेनर है, एक बर्तन है, इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, ऑयल कर लिया। आप यहाँ पे कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टील का लेना है तो आप स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने सारा बैटर इसमें निकाल लिया है, सारा घोल हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको आप ऊपर से थोड़ा सा टैप कर दीजिए, जिससे कि जो ऊपर की एयर होगी वो इसकी निकल जाएगी। अब जो स्टीम हम यहाँ पे, ये एक हमने स्टीमर टाइप तैयार कर लिया है। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और इसमें एक रिंग प्लेस कर दी है। इसको हमने 5 मिनट पहले हाई गैस पे गर्म कर लिया है और फिर उसका बिल्कुल लो गैस कर दिया है। और हम अपना जो केक का पैन है हमने इस रिंग के ऊपर रख दिया है। इस केक को बनने में पूरा 1 घंटा लग जाता है, लेकिन फिर भी आप 50 मिनट्स के बाद आप एक से एक बार चेक करते रहिए और आप थोड़ा सा इसको कम भरिए। मैंने थोड़ा ज़्यादा बैटर भर दिया, इसलिए ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर तक आ गया, आप देख सकते हैं। अब हमारा 1 घंटे 5 मिनट के अंदर हमारा केक तैयार था। अब हमने इसको बाहर निकाल लिया है, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा फूल गया है, तो मैंने इसका ऊपर से काट के अलग पार्ट कर दिया है। अब हम इसके लिए मिल्क गर्म करेंगे। इसमें हमने 1 कढ़ाई में 1 कप दूध लिया है। इसको हमने थोड़ी सी 4-5 हमने सैफरन केसर की पत्ती डाल दी है और इसको थोड़ा सा हमने बस खौला लिया है। अब ये दूध हमारा तैयार हो गया है। हम इस दूध को अपने केक के ऊपर हमें पोर करना है। हमारा केक एकदम ठंडा हो गया है और हम इसको थोड़ा सा ऐसे टूथ पिक की सहायता से इसको ऐसे इसमें छेद कर देंगे और अपने जो मिल्क है यहाँ पर हम इसको पोर कर देंगे। जो हमने ये मिल्क इसमें पोर कर दिया है, अब हम इस पूरे केक को फ्रीज में 2 घंटे के लिए करीब रख देंगे, जिससे कि वो सेट हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हमें एकदम ठंडा केक ही चाहिए अपनी आगे के प्रोसेसिंग के लिए। हमने केक ठंडा होने रख दिया है। अब हम रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी के लिए मैंने करीब यहाँ पे 3 कप दूध लिया है। इसको हम अच्छे से गाढ़ा होने देंगे। चारों तरफ से आपको इसको साइड से स्क्रैप करना है, इसको चारों तरफ से निकालना है और आपको अच्छे से ये बॉईल करना है, अच्छे से खौलाना है, जब तक कि ये एकदम गाढ़ा नहीं हो जाता है। अब हम इसकी रबड़ी बनाएंगे। ये रबड़ी बिल्कुल बन चुकी है, एकदम गाढ़ी हो चुकी है। इसमें हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है और 5 से 6 हमने इसमें केसर की पत्ती डाल दी है। इस तरीके से रबड़ी तैयार है। अगर आप रबड़ी की डिटेल्ड रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बस हमारी रबड़ी भी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे। इसमें हमने 1/4 कप
चीनी मिलाई है। आप चीनी टेस्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसका जैसा भी आप मीठा चाहते हैं या कम, और इसको ठंडा होने देंगे। अब हमारी रबड़ी भी बिल्कुल ठंडी हो गई है और केक भी बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो अब हमें जो रबड़ी है अपने इस केक के ऊपर पोर करनी है। यहाँ पर मैं एक रिंग ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं इस स्टेप को। मैंने ऊपर से रबड़ी इस पर स्प्रेड कर दी है क्रीम की जगह, आपको इसलिए यहाँ पे कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे हम एक इंडियन ट्विस्ट दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने रबड़ी स्प्रेड कर दी है। यहाँ पे हम थोड़े से कटे हुए पिस्ताचियो और बादाम हम इस पर डाल देंगे, और इस तरीके से ये हमारा केक, हमारा फ्यूज़न मिठाई बिल्कुल तैयार है। तो बस एकदम ठंडा ठंडा हमारा केक फ्यूज़न रबड़ी के साथ तैयार है। अब आप इसके पीसेस कट कर सकते हैं जैसे भी आप जिस शेप में इसके पीसेस चाहते हैं। आप देखिए एकदम ये बहुत टेस्टी बना है, कलरफुल भी है, रबड़ी है इसमें, केक है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा है, एकदम ग्रीन है अंदर से। तो बस हमारा ट्रेस लीची केक तैयार है। यहाँ पे मैंने इसे खस सिरप के साथ थोड़ा सा इसको सर्व प्रेजेंट किया है, तो आप जैसे चाहें वैसे सर्व कीजिए, राखी पर ज़रूर बनाइए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।